हमारे फैन पेज का रिएक्शन बहुत ही अलग ही आया है, बहुत ही इमोशनल आया है, बहुत ऐसा हैम्पर आएगा तो लिटरली वो टाइम पे मेरे आँख में से आंसू आ रहे थे, मैं इतनी खुशी के मारे इमोशनल हो गई थी। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज फॉर मी, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डे है क्योंकि मेरे को मेरे आइडल की तरफ से गिफ्ट आया है। आज है बड़ी रात, 26 की रात है। तो सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइस आ चुके हैं नवे ब्लॉग के साथ। सो अभी भी माइंड में हम लोग के सब घर 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 ही चल रहा है क्योंकि रात भर हम लोग सो ही नहीं थे। वही चीज़ को लेके तो आप लोग के बहुत कमेंट आए थे कि आप लोग शिफ्ट हो जाओ, तो इंशाल्लाह देखते हैं, अभी ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अब हम लोग को मनाने की। तो बस अभी आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। सो आज है बड़ी रात, 26 की रात है। तो आप सभी को पहली बात तो बड़ी रात मुबारक है। अभी तक मैं फ्रेश नहीं हुई क्योंकि मुझे जाना है किचन के अंदर। तो किचन में आज मैं बनाने वाली हूँ बॉक्स पेटीज, तो बहुत ही अच्छी बनने वाली चिकन की, तो वो ट्राई कर रही है नवी बनाने की क्योंकि रोज़ रोज अलग अलग खा खा के थक गए, अभी ये नया कुछ खाना है हम लोग को, तो वो बनाने का है अभी। उसके बाद फिर फ्रेश होके फिर बड़ी रात है। आज तो कुरान शरीफ बख्शाना रहता है जो भी पढ़े हैं हम लोग ने, तो वो सब करने के बाद फातिया होएगा, तो बहुत मज़ा आने वाली है आज। तो मिलते हैं आप लोगों को आगे। आ गया हूँ किचन के अंदर, मैं देख रहा हूँ नौशीन डेली डेली कुछ ना कुछ नवा ना खिला रही है, बाकी मैं मोटा नहीं हो रहा हूँ नहीं। सब बोलने की बात है, आप खाओ अच्छे से, दिल खोल के खाओ तो मोटो हो जाएगा। मैं हुआ था बीच में मोटा, बाबी से रमजान के महीने में मैं थोड़ा सी फ्रूट पे नहीं, मैं फ्रूट पे ध्यान दिया, जिम जाना बंद कर दिया, अच्छे बाबी से पतला होने लग गया, मेरा 3 या 4 किलो कम हो गया है नौशीन। तो आज क्या बना तुम? बहुत लेट होता था, बहुत जल्दी। हाँ और तुम्हारा बढ़ते ही रहता है, उतरता ही नहीं है। हाँ मेरा बढ़ते ही रहता है। हाँ तो ये क्या है मशीन? चिकन स्ट्रिप्स। और ये चिकन को बॉईल करके बनाऊंगी बॉक्स पेटीज। बॉक्स पेटीज, चिकन बॉक्स पेटीज। अच्छा गाइस हमारा बॉक्स का बिजनेस है और मशीन बॉक्स पेटीज बना रहे। वाह रे वाह, क्या तुम्हारा झुलू, क्या तुम्हारे जादू है, बाप रे बाप। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज बड़ी रात को पता है बोल देखो मेरे से पूछ के पता है बता दो मेरे उसे झूठे झूठे क्या झूठे वाला क्या मैं हूं। हाँ आज हमारे घर में फातिहा होगा, कुरान बख्शा ये सब होगा। अब सब मिठाइयां लेके आते होंगे, मे बी क्या मे बी शायद, या तो फिर या तो फिर रात को लाएंगे 10 बजे। रात को ही लाएंगे, अभी मगरिब बाद कौन करेगा, लाते हैं अब मगरिब बाद देखेंगे। अच्छा चलो ठीक है, तरावी हो जाती है उसके बाद नहीं हो तो तरावी में कुरान शरीफ खत्म हो जाता है। जी जी जरूर जरूर। चलो अभी जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या डालना है इसमें। अभी इसमें डालना कुछ नहीं, अभी गया है अरकान लेने। अच्छा फिर अल्लाह का भी बताइए। ओके सो गाइस अभी इसको बॉईल करने रखेंगे, आप लोगों को रेसिपी देखना होगा किसी ब्लॉग में देख लेना फिर। नहीं ये तो मैं मेरी रेसिपी थी, तो फिर बताएगी क्यों नहीं। सो गाइस ये रेसिपी आपको अभी स्लो स्लो मिलेगी, नौशीन तरह बना लेगी, फिर आप लोगों को बताएगी क्या क्या डालना है क्या क्या नहीं डालना है, है ना। अभी तेल गरम कर दी थी, तेल गरम करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाली, उसके बाद अभी ये कर दी प्याज डाली, अभी इसको थोड़ा लाल होने देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने गाजर और शिमला मिर्च दानिश ने काट के दिए थे मेरे को, तो ऐसा लंबे लंबे कर दिए थे मैंने। अब ये चले जाएगी इसके अंदर, फिर चली जाएगी चिकन। ओके चिकन भी गाइस इधर रेसिस करी हुई है मैंने। मैंने क्या पूरी छुरी से काटा हो तो डाल दो इसको। रुको लाल तो नहीं दो गाइस, अभी गाजर और शिमला मिर्च डाल रही है, उसको थोड़ा अच्छा भून लेंगे। भूनते रहो भूनते रहो भूनते रहो, इसके अंदर वेजिटेबल भी ज्यादा रहती चिकन कम रहती, इसलिए मैं खाता नहीं हूँ। देखिए अभी बोलते हैं मोटा नहीं होता, अरे शिमला मिर्च गाजर से मोटा होता खाना चाहिए, तो मोटे थोड़ी होते इससे, मोटे नहीं तुम बोले मैं खाता नहीं, इससे इससे मोटे होते इससे कम होगा अभी तुम्हारी क्या बहुत चुभ रहा है मेरे को यार गाइस, मेरे को ना अंदर पूरे छाले हो गए, बहुत चुभ रहा है गाइस। क्या चुभ रहा है? छाले ज्यादा छाले के साथ चुभते ना। अब डाल देंगे इसके अंदर चिकन, क्योंकि चिकन तो अपनी पहले से बॉइल्ड ही है, उसको पकाने की जरूरत नहीं, सिर्फ सेक दो बस। और इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालती हूं, बता दो पहले इसको भूनने दो। ओके चलो ये मसाला हो गया, सेक हो गया, देखो गाइस हो चुका है ये सेक का इतना। अब इसके अंदर डालेंगे नमक थोड़ा सा अपने हिसाब से, उसके बाद डाल देंगे रेड चिली फ्लेक्स, बहुत ज्यादा नहीं गिर गया, उसके बाद डालेंगे गरम मसाला, सब गरम गरम खाएंगे मजा आ जाएगी, और डालेंगे धनिया जीरा पाउडर,
कभी इसको भी क्या करेंगे, इसको भी भून देंगे। अभी भून जाएंगे तुम्हारे नॉन स्टिक के बर्तन में ना, स्टील का चम्मच नहीं होना चाहिए। हाँ है ना, लकड़ेगा अपने पास तो उससे कर लो। तेल बहुत कम डालने का क्योंकि अपन तलते तो उसमें और तेल चला था फूल के अंदर, फिर तेल चला था ना मजा नहीं आती खाने। सो गाइस अभी सॉस की बारी, इसके अंदर काली मिर्ची भी ऐड करना है, मैंने ऐड कर चुकी हूँ। अब डालना है चिल्ली सॉस एक चम्मच पूरा, और साथ में डालना है सोया सॉस और उसको कर देना हिलाना है बस। इसके बाद अच्छा तो गाइस ये दूध डाल रही है, दूध क्यों डालने का इसमें? बता रही हूँ, रुको ना जरा। अरे बता, मलाई आ जा रही है इसमें, दूध डालने का क्रीमी होगा वो। अरे कुछ भी बना रहे तुम तो, ये अच्छा नहीं लगा तो फिर। अब गाइस इसका इतना हो चुका था, अब डालेंगे मैदे का आटा इसके अंदर थोड़ा सी, फिर दूध डाल लेंगे। यस, फिर डाल देंगे इसके अंदर एक कप दूध। एक कप नहीं, एक गिलास है। रुको अभी रुको, ये फुल जूसी हो गया गाइस। गाइस इधर तेजीन आ गई मदद करने के लिए, तो देख सकते हैं। तो इसको ऐसा प्लस बनाने का, प्लस ऐसे बता इसको कैसा करने का, प्लस बनाने का फिर जो मसाला है ना हाँ, थोड़ा ठंडा होने के बाद ही डालने का। अच्छा ज्यादा तो ठंडी है एकदम, फिर ये पर ना फट जाते। अच्छा समझा। हाँ सो गाइस इसको ऐसा क्रॉस में करते हैं, एक को इधर ऐसा एक यहाँ पर है ना, ये मैदे का आटा है और पानी है और थोड़ा सा नमक डालकर ऐसा स्लरी बना के। अच्छा ऐसा लगा। फिर उसके बाद नौसिंग कुछ अलग चीज बना रही है। नौसिंग क्या? चिकन स्ट्रिप। चिकन स्ट्रिप मतलब केएफसी चिकन ना, मतलब तेल गरम नहीं किया, उंगली लगा के देखो क्या एक बार? नहीं डालता जल तेरे मुंह पे आ गई फोड़ी ऐसा? नहीं वो तो पिंपल्स आए, तेरे को फल फोड़ा हो जाएगा। सो गाइस बिस्मिल्लाह बोल के डाल दो एक बार। रुको अभी क्यों, सब करने दो, एक साल डालो, तीन चार का फिर डालो ना। ये तो रुको, एक तो करने दो। तो ये गाइस ब्लॉग चल रहा है, आगे अलग करूँ करूँ करूँ। हाँ जाओ 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 जाओ, किधर जाए उधर जाओ, देखना ब्लॉग चल रहा है, करूँ करूँ। सो गाइस ये चिकन को ये क्या है नौसिंग, मैदे में डाल लिया, मैदे के बाद ब्रेड क्रम्स में सता, ब्रेड क्रम्स में डालने का, तो ये ब्रेड क्रम्स क्रूम क्रूम होते ना। तो गाइस चले गए एक चिकन अंदर, बिस्मिल्लाह। कल वाला मैं इफ्तारी की तैयारी करता हूँ, कल इनली का काट लेता हूँ। ठीक है गाइस, फाइनली हो चुकी है हमारी इफ्तारी। तहसीन ने एंड टाइम पे आके बेचारे कर दी मुझे फटफट से, क्योंकि मुझे कोई और एक डिश बनाना था, बट मुश्किल हो गया डिश बनाने के लिए। तो यहाँ पर अभी हम लोग की चिकन फ्राई हो चुकी है, यहाँ चिकन पॉकेट भी फ्राई हो चुकी है। तो ये तेल बहुत स्लो, ये बहुत फास्ट है, इसमें क्या फटफट तलिया हो यो, ये मैं कब से रखी 10 मिनट हो गई थी। चला जला इसमें डालना। तो गाइस ए हट जा, उड़ेगा आगे खड़ा है तू, बस हो गई ना। चलो गाइस हो चुका है डन हमारा, तो जल्दी जल्दी मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। क्या हुआ ये, उंगली जल गई है? वाह वाह वाह, इसलिए बोलते किचन में रोज काम किया करो, लेडीज को तो आदत होती है चलने की, जेंट्स को नहीं होती। चलो गाइस जाते हैं लेडी कपड़े चेंज करने, तब जाने से कल तो मैं आती पड़ता हूं। सही बात है, जूसी है तो दानिश ने तले ना इसके लिए। और गाइस अभी अंकल ये चिकन पॉकेट खाने जा रहे हैं।
एक खा के अब्बा की पॉकेट हो जाएगी गीली वो रात को होगी तरावी बाद। अच्छा अंकल, अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ अपना अगले रमजान धंधा खोलते हैं। मैं और ऐसी दीदी शेफ बनेंगे, तुम लोग अंकल और तुम मेरा बाकड़े पे खड़े रहना, है ना? जा रहे हो तुम? हाँ, काय को बता रहे हो यार। तो गाइस अभी नमाज हो चुकी है हमारी बड़ी रात की, तो आप सभी को बड़ी रात मुबारक हो। तो अभी अब्बा ने लेके आ चुके मिठाई। अब्बा क्या कहला है मिठाई में? रसमलाई और काजू कतली। अच्छा, तो नौशिंग की फरमाइश पे दोनों आइटम है ना? तुम्हारी फरमाइश नहीं, मेरी फरमाइश वो आई। अच्छा, अभी खाना खा लेते फिर आप लोग को मिलते आगे ना। नौशिंग तुम वापिस बना रहे चिकन? सुना इतनी पसंद आ गई तुम चिकन वापिस बना रहे? मैंने रख दी थी क्योंकि ना एग खत्म हो गया था और इफ्तारी। इंग्लिश एग, अंडा अंडा इसके लिए मैंने रख दी। तू खाएगा डंडा? हाँ, इंडिया बोल इंडिया। अंडे ना बच खत्म हो गए थे ना, अंडे मंगाए तो वापिस होता। अच्छा, तुम खाएगे डंडे? नो। अच्छा, वैसे अब्बा तुम्हारे लिए लेके भी आए। क्या लेके? तंदूरी चिकन। आइजल क्या पहनी तुमने? क्या पहन लिए? क्या पहन लिए? क्या पहन लिए? सो गाइस, इसको सिर्फ जूता बाकी पिलाना और टोपी। अच्छा, एयरविन में बेकार लगती है। देख अभी अभी देखो कितने एक्साइटेड। नौशिन देखो, हाँ देखो 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 गाइस, देखो कितने एक्साइटेड हो गए। आइजल इसका बहुत मजा आती है। पकड़ ले। तो गाइस फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं, मैंने तलन करके बैठ गई थी और अंकल भी आ गए हैं सब सामान अमान लेके। तो ये लिया हमारा फातिह का सब सामान, काजू कतली, रसमलाई और मावे वाली जलेबी। और लाने का था, बट अंकल बोले इतनी गर्दी थी कि मैं दब जाता उधर, ला भी नहीं पाता। है ना अंकल? आज सैटरडे थी ना, आदमी से झगड़ा किया। देखिए बहुत है, सब रास्ते बंद भी कर दिए हो। आज अपन ये बार गए नहीं मीनारा मस्जिद, मतलब जाना ही मत। हाँ मैं बोली अभी चलो, हाँ लड़के लोग जाते हैं। शॉपिंग सब लोग आती है। हाँ अरे हम लोग नवी मुंबई में लिफ्ट में थे तो लोग बोल रहे थे मोहम्मद अली रोड जाना है, बोरी मुल्ला जाना है, वहाँ से ही पब्लिक यहाँ पर आती है। मतलब सोचो ना, वही ना, मतलब इतना फेमस एरिया है यार। ठीक है, ओके ओके नहीं ओके ओके। हाँ अच्छा, अब भरो फटफट से टपट टप डाल रहे। आई सर चलो पाचे देने के, अभी पाचे देने के, चलो 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 तो 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 आज हो चुकी है हमारी डन। और कुरान बख्शा दिए हम लोग ने। आमीन आमीन। देन भी बहुत जल्दी आ गया आपकी फाती आवाज, बहुत लेट हो गया। जल्दी नहीं आ, टाइम पे आप लेट हो गए। अच्छा आप लेट हो गए यार, क्या चल रहा? खा लो, चलो आ जाओ। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं इधर और यहाँ पर ये लोग को कर देते हैं बड़ी रात मुबारक। सोच मम्मी क्या कहे? दोनों दुश्मन मिल गए। हाँ सही बात है।
अब अभी बताओ घर में खान कौन कहता है। मम्मी वहाँ देखो कोई कपड़े का जगह नहीं था, अब्बा ने रखे ना, लेकिन मैंने सुखा रखी, मैं बोल दिया बोला नहीं, मेरे को लगा अब्बा हम लोग को रोज बोलते हैं ना, ये अब्बा की पहने वाली, अब्बा जाके लड़का क्या आएगी, जब घर बन जाएगा ना एक भी कपड़े तुमको यहाँ नजर नहीं आएगा। सही बात है। ओके सो गाइज मैं ब्लॉग अभी ये बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग जैसे देख चुके थे फैन पेज को हम लोगों ने दे चुके थे गिफ्ट, तो लोग तक के पहुँच चुका है, तो रमज़ान एंड होने से पहले मैं आप लोगों का रिएक्शन दिखा देती हूँ। तो हमारे फैन पेज का रिएक्शन बहुत ही अलग ही आया है, बहुत ही इमोशनल आया है, बहुत ही खुशी आया, तो वो आप लोगों को दिखा दी, तो आगे देखना ज़रूर। थैंक यू सो मच तनोज फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटिफुल ड्रेस फॉर ईद, दिस इट वॉज अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज फॉर मी, एंड ये कार्ड आपने भेजो ईद उल फितर का, चलो ये अपन रीड करके देखते हैं। ईद मुबारक टू यू एंड योर लवेड वंस फ्रॉम तनोज, दिस इज द स्मॉल थिंग वी आर डूइंग फॉर यू, थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग एंड गिव मोर लव टू अस, आई होप यू लाइक द गिफ्ट एंड इट्स अवर wish you wear this outfit on any 3 days of Eid, whichever day you want to wear, we would love it. Thank you so much Naashin Didi and Danish Bhai for giving me lots of love. Assalamualaikum guys, मेरा नाम है आर्य और मेरा इंस्टा पे एक अकाउंट है, मींस फैन पेज @naash_x_aizoo के नाम से, तो उस पर मैं अपने आइडल जिनको मैं सब कुछ मानती हूँ अपना, उनके लिए मैं अपने एडिट्स बनाती हूँ, और आज मेरे को उनके तरफ से एक गिफ्ट आया रमजान स्पेशल गिफ्ट, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच रोशन दी दानिश भाई एंड टू आर क्यूटी आइजू, थैंक यू सो मच, इट लिटरली मीन्स अ लॉट टू मी, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डे है क्योंकि मेरे को मेरे आइडल की तरफ से गिफ्ट आया है और मैं अभी उनके ब्लॉग में जाऊंगी, तो लिटरली ये मेरे बहुत मैटर है, बहुत बहुत, मैं जितने वर्ड्स बोलूँ वो कम है उन लोगों के लिए। और जब नौशीन दी ने मुझे मैसेज किए थे कि ऐसा ऐसा है, ऐसा हैम्पर आएगा, तो लिटरली वो टाइम पर मेरे आँख में से आंसू आ रहे थे, मैं इतनी खुशी के मारे इमोशनल हो गई थी, मैं सच में मैं कुछ बता नहीं सकती, ये वर्ड्स में ये तो मैं बयां ही नहीं कर सकती, आप लोग अभी भी देख सकते हैं मेरा हाथ लिटरली पूरी सूजी है क्योंकि मैं खुशी के मारे इतना रोई हूँ ना, इतना रोई हूँ। और आज जब पार्सल आया ना, मेरा भाई पार्सल लेके आया, तो मैं उसे देख के इतना वो हो गई। थैंक यू नाशीन दीदी एंड दानी भाई फॉर योर विशेज, ये कुर्ता है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा कुर्ता है, दानिश भाई नौशीन दीदी आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे याद किया और गिफ्ट वंडरफुल गिफ्ट दिया, थैंक यू सो मच। सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच नौशीन दीदी दानिश भाई फॉर द अमेजिंग एंड लवली गिफ्ट जो आपने हमें भेजा है, आपने जो ड्रेस भेजा है वो इतना प्यारा है माशाल्लाह माशाल्लाह, एकदम आपकी तरह जैसे आप हो एंड हमारी आइजू बेबी की तरह, बहुत प्यारा गिफ्ट है एंड थैंक यू सो मच। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हमेशा हम आपके लिए हम ऐसी एडिट्स बनाएंगे और आपको हमेशा हैप्पी रखेंगे एंड थैंक यू सो मच अगेन, आपने हम लोग को अपॉर्चुनिटी दी अपने ब्लॉग में आने, थैंक यू दानिश भाई, थैंक यू सो मच इतना प्यारा सूट देने के लिए, थैंक यू सो मच एंड अमेज बहुत अमेजिंग है ये सूट, थैंक यू सो मच, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है और मैं इंशाल्लाह इसे सिलवा कर ज़रूर पहनूंगी और आपको इंशाल्लाह ज़रूर पिक भेजूंगी इसका, और आई लाइक इट सो मच, थैंक यू सो मच नौशीन दानिश भाई, थैंक यू इतना प्यारा देने के लिए, और वी सपोर्ट यू और हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे और हमेशा आपको प्यार करेंगे, लव यू दानिश।